यूजी नीट परीक्षा के परिणाम अब सवालों के घेरे में है। नीट परीक्षा में लगे धांधली के आरोपों के बाद छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं सियासी गलियारों में भी मामले की चर्चा तेज हो गई है, जिसको लेकर आज कई जिलों में विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस कड़ी में पीलीभीत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। साथ ही बदायूं में समाजवादी छात्र सभा ने भी बिसौली तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर नीट परीक्षा की राज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि पेपर लीक का खतरनाक वायरस देश में फैलता जा रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में नौजवानों बेरोजगारों का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। एक तरफ जहाँ पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आए दिन पेपर लीक हो रहा है, नौजवान जो अपने गांव से अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को लेकर जाकर तैयारी करता है, उस नौजवान के साथ ये सरकार लगातार छलावा करने का काम कर रही है। नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां इस देश की जिसपे इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था एक तरीके से निर्भर करती है। उस नीट के एग्जाम में जिस तरीके से न सिर्फ सुल्तानपुर के युवाओं के साथ, उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ, बल्कि हिंदुस्तान के लगभग 24 लाख नौजवानों को आज भविष्य अधर में लटका हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक घटिया सरकार केंद्र के अंदर चल रही है, जिसने नीट के एग्जाम का आयोजन किया। और आप समझिए कितना बड़ा घोटाला सामने आया है। आप सोचिए कि 720 पूर्णांक होते हैं, 720 में से एक ही सेंटर से छः बच्चों का 720 मार्क्स आ जाता है। लगभग 67 ऐसे बच्चे हैं जिनको 720 में से 720 नंबर मिलता है। हमारे ज्ञापन में ये मांग की गई है कि जिस तरह से अभी हाल ही में नीट परीक्षा के रिजल्ट में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जांच को लेकर एक कमेटी गठित की जाए और जल्द से जल्द उस घोटाले में जो लिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और लगातार पिछले दिनों से हम देखते आए हैं कि जो जितनी सारी भर्तियाँ हो रही हैं, परीक्षाएँ हो रही हैं, सभी के पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये किस तरह से हो रहा है, कौन लोग इसमें लिप्त हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो ज्ञापन सौंपा गया है समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विनीत कुशवाहा, उनके निर्देश पर यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष अंशुल यादव जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। आज जो नीट की परीक्षा हुई है, जिसमें देश के 24 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, उस परीक्षा को निरस्त करने के तो इस सरकार से मांग करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इस परीक्षा में निश्चित रूप से धांधलीबाजी उत्पन्न हुई है। देश के एक ही सेंटर पर 16 बच्चों ने 720 अंक प्राप्त किए हैं।